विशेषण। क्या पढ़ रहे थे? विशेषण के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? विशेषण के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? विशेषण और विशेष्य पढ़ा था। विशेषण शब्दों की रचना पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? विशेषण शब्दों की रचना पढ़ी थी। विशेषण और विशेष्य के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रचलित यौगिक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? कुछ प्रचलित यौगिक विशेषण। कुछ प्रचलित यौगिक विशेषण। ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे? कुछ प्रचलित यौगिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या देखेंगे हम? संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द और बाद में क्या देखेंगे? विशेषण। क्या करेंगे उसका? क्या बनाएंगे उसका? विशेषण शब्द बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विशेषण शब्द। अंश क्या है? अंश संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। आंशिक क्या होगा? आंशिक विशेषण शब्द। बल क्या है? संज्ञा शब्द है। और बल्ली क्या होगा? विशेषण शब्द। और विशेषण कहते किसको है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो अंश क्या है? संज्ञा शब्द। आंशिक विशेषण शब्द। बल क्या है? संज्ञा शब्द। और बल्ली, बल्ली क्या है? विशेषण शब्द। भारत क्या है? संज्ञा शब्द। और भारतीय विशेषण शब्द। कपट क्या है? संज्ञा शब्द। और कपटी विशेषण शब्द। केंद्र क्या है? संज्ञा शब्द। और केंद्रीय विशेषण शब्द। क्या है? विशेषण शब्द। नमक क्या है? संज्ञा शब्द। और नमकीन विशेषण शब्द। रंग क्या है? रंग संज्ञा शब्द। और रंगीला, रंगीला विशेषण शब्द। क्या है? विशेषण शब्द। प्यास क्या है? संज्ञा शब्द। और प्यासा, प्यासा विशेषण शब्द। क्या है? विशेषण शब्द। नील क्या है? संज्ञा शब्द। और नीला विशेषण शब्द। क्या है? विशेषण शब्द। रोगी क्या है? रोग क्या? रोग संज्ञा शब्द। और रोगी विशेषण शब्द। क्या है? विशेषण शब्द। ज्ञान क्या है? संज्ञा शब्द। और ज्ञानी विशेषण शब्द। क्या है? विशेषण शब्द। मास क्या है? संज्ञा शब्द। और मासिक विशेषण शब्द। क्या है? विशेषण शब्द। लोक क्या है? संज्ञा शब्द। क्या है? संज्ञा। लोक क्या है? संज्ञा शब्द। और लौकिक विशेषण शब्द। क्या है? विशेषण शब्द। विदेश क्या है? संज्ञा शब्द। और विदेशी विशेषण शब्द। विदेश क्या है?
विदेशी क्या है? विशेषण शब्द। दान क्या है? संज्ञा शब्द। और दानी विशेषण शब्द। क्या है? विशेषण शब्द। गुण क्या है? संज्ञा शब्द। और गुणवान, गुणवान और गुणवत्ती क्या है? विशेषण शब्द। तो विशेषण किसको कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। ओके, चमक क्या है? संज्ञा शब्द। और चमकीला विशेषण शब्द। ओके, तो ये क्या है? कुछ प्रचलित यौगिक विशेषण है। तो इसमें क्या बने? संज्ञा शब्द से क्या बनाए? हमने विशेषण शब्द बनाए। तो आपको भी क्या करने हैं? संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने हैं। विशेषण कहते किसको है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषणों की तुलना, विशेषणों की तुलना दो वस्तुओं के गुण और गुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। दो वस्तुओं के गुण और गुणों के मिलान को क्या कहते हैं? तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? मूल अवस्था। पहली कौन सी है? मूल अवस्था। और दूसरी उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था। और तीसरी उत्तम अवस्था। और तीसरी कौन सी है? उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था किसको कहते हैं? इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। इसमें क्या बताई जाती है? मूल अवस्था में इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे राम सुंदर है। जैसे राम सुंदर है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषताएं बताई जाती है। दूसरा क्या है? उत्तर अवस्था। इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता बताई जाती है। उत्तर अवस्था में क्या बताई जाती है? इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता बताई जाती है। जैसे राम मोहन से सुंदर है। राम क्या है? मोहन से सुंदर है। तो इसमें क्या बताई है? एक की अधिकता बताई है और एक की न्यूनता बताई गई है। और अगला क्या है? उत्तम अवस्था। इसमें दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। जैसे राम सबसे सुंदर है। राम सबसे सुंदर है। इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करके इसमें दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। जैसे राम सबसे सुंदर है। राम सबसे सुंदर है। अब हम देखते हैं मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। किसको देखते हैं? इनकी अवस्था को देखते हैं। मूलावस्था उत्तरावस्था और ऊष्मावस्था। और कौन सी है? ऊष्मावस्था।
मूलावस्था क्या है? पीरियड, पीरियड। और उत्तरावस्था क्या है? पीरियतर। और उत्तमावस्था क्या है? पीरियतम। क्या है? पीरियतम। क्या है? पीरियतम। मूलावस्था क्या है? लघु। उत्तरावस्था लघुतर। और उत्तमावस्था लघुतम। तो मूल अवस्था किसको कहते हैं? इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। और उत्तरावस्था में इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक की अधिकता और या न्यूनता बताई जाती है। और उत्तम अवस्था में इसमें दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। अब हम देखते हैं मूल अवस्था के बारे में। विशेषण की मूल अवस्था उत्तरावस्था या उत्तमावस्था के रूप में संस्कृत हिंदी में प्रचलित है। व्यवहारिक हिंदी में सब में सबसे अधिक से अधिक, बहुत अधिक से कुछ, कम से बढ़कर से कम से कहीं जैसे पढ़ते पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब में, मोहन सब में चतुर है। सबसे, रमेश सबसे चालाक है। से अधिक, राम श्याम से अधिक होशियार है। बहुत अधिक, आज बहुत अधिक सर्दी है। से कुछ कम, आजकल से कुछ कम गर्मी है। से बढ़कर, रमेश राजू से बढ़कर था। से कम, सीता रानी से कम लंबी है। से भी कम, जीवन रमेश से भी कम जानता है। से कहीं, वह तुमसे कहीं अच्छा है। अब हम देखते हैं उत्तरावस्था। दो विशेषण के मध्य तुलना करके एक ही गुण या दोष को अधिक बताया जाता है। जैसे रमेश राजेश से अधिक अच्छा लड़का है। सीता रजनी से अधिक समझदार है। अब हम देखते हैं उत्तमावस्था के बारे में। इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु को सबसे अधिक अच्छा या सबसे अधिक बुरा बताया जाता है। जैसे विद्यालय में राकेश सबसे अच्छा खिलाड़ी है। नीलिमा सबसे सुंदर लड़की है। तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको पहले तो पढ़ना है कुछ प्रचलित यौगिक विशेषण, और बाद में क्या पढ़ना है? विशेषणों की तुलना मूल अवस्था में, उत्तर अवस्था में और उत्तम अवस्था में। इनकी क्या करनी है? आपको तुलना करनी है। ओके।